एटा में जलभराव से परेशान किसान दे रहे धरना। धरने में पहुंचे सिंचाई विभाग के एक्सीएन को ग्रामीणों ने जमकर पीटा। नाराज किसानों ने जमकर पीटा। गाड़ी के शीशे तोड़े। अधिकारियों के साथ एक्सीएन तुषार राजन पहुंचे थे। निधौली के एक दर्जन से अधिक गांव में भरा है पानी। एक्सीएन ने 10 से 15 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई FIR। एक मिनट, तुषार कांति राजन, क्या घटना, क्या हुई है? ना वहाँ हुई गांव में, हम लोग जो है, हम लोग को ये बताया गया था कि वहाँ पे जलभराव, वहाँ पे वो है समस्या है, वहाँ पे जाइए, वहाँ कहीं साइफन नाले चौक हो गए हैं। डीएम साहब द्वारा दिन में बात हुई थी, बताया गया ठीक है आप पहुँचे वहाँ पे, मशीन का इंतजाम करके आप पहुँचे वहाँ पे। वहाँ जैसे वहाँ पहुँचे, साथ में हमारे SDM साहब, यहाँ SDM सदर एटा, वो गाड़ी में ही थी, और नायब तहसीलदार साहब जो है, और उन्होंने बताया कि आइए इधर, लोग आपको बुला रहे हैं सिंचाई से। तो मैं फिर गया, तो फिर उनकी थी मांगे कि जो है साइफन वगैरह जो है वहाँ पे खुलवा दिया जाए, तो पानी जो है वहाँ से पास आउट होकर के आगे बढ़ जाए। इसी इतने में क्या हुआ कि फिर दो पक्ष के लोग वहाँ पे आ गए, आपस में कुछ गर्मा गर्मी हुई। फिर वहाँ पे पुलिस फोर्स थी, लेकिन उनका भी ज़्यादा रोल नहीं रहा। फिर वो आपस में फिर गर्मा गर्मी हुई। फिर जैसे मैं अपनी गाड़ी में जो है बैठने लगा, तो पीछे से जो है दो तीन लोग आए, उसमें हाथ खींच करके इधर उसे मतलब नीचे गिरा दिया, हाथापाई हो गई, शर्ट फाड़ दिया। पथराव भी किया था गाड़ी पे क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पथराव भी किया। जैसे तैसे हमारी टीम के लोग, मैं बचते बचाते वहाँ पे जान बचा के मैं फिर भागा, फिर रुका नहीं मैं, फिर आकर के मैं यहाँ। तो अब क्या कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? अब DM साहब आते हैं तो मैं फिर उनसे अपने मिलकर अपनी बात जो है अपना मैं देता हूँ, उसमें जो है इस संबंध के खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे।